अभिनंदन करें, दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाट जी का जाट जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, इसके बाद हमारी आजीविका की बहनें एक 20 फुट की लंबी राखी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट करेंगी। मैं आजीविका की बहनों से आग्रह करता हूँ शीघ्रता से अपनी राखी लेके आए मुख्यमंत्री जी को एक 20 फुट की राखी। डीपीएम मुद्गल जी से आग्रह की वो आजीविका की राखी जल्दी मंगवाए। भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाटी से आग्रह मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दुर्गालाल विजय जी से आग्रह की भाई मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बाबूलाल मेबरा जी से आग्रह की मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया जी से आग्रह की मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद में जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन गुड्डी बाई। अब आजीविका की बहनों के द्वारा, लाडली बहनों के द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को एक राखी भेंट की जा रही है 20 फुट की। आप सभी से आग्रह करूंगा कि शिवराज भैया के लिए जोरदार ताली बजाकर इस राखी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस श्योपुर में पधारे हैं। आपने 165 सीट देकर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। चुनाव के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री हमारे बीच में आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, कृतज्ञता व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी की। भाई क्या कर रहा है। जिला पंचायत की अध्यक्ष गुड्डी बाई भी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी। नगर पालिका की अध्यक्ष रेणु गौर जी से आग्रह में भी मुख्यमंत्री जी को पुष्प भेंट करेंगे। उसके बाद में आजीविका उत्पाद की एक गिफ्ट टेम्पर माननीय मुख्यमंत्री जी को। अरे अनिल भाई, अब हमारे बीच में स्वागत भाषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाट जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता लाडली बहनों के भाई माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ और पुष्पमालाओं के स्वागत के बाद शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाट जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करेंगे। और आप सबसे आग्रह करूंगा जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सबके नेता और इस मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के भाई आज हमारे श्योपुर में पधारे हैं। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे श्योपुर की लाडली बहनों से मिलने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। जोरदार ताली बजाकर सभी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और आदरणीय भाई साहब, जिस प्रकार आप अपनी इन बहनों से प्रेम करते हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। हमने वो समय देखा है जब हमारी बेटी को, बेचारी को जांच करा के अस्पताल में मारा जाता था, लेकिन एक नेता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ऐसे पैदा हुए जिन्होंने उसको लाडली बेटी बना दिया, लाडली लक्ष्मी बना दिया। और इन महिलाओं के सम्मान के लिए, इनको आगे लाने के लिए जितना काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है, आज उनका हर घर में नाता है। जितनी भी बहनें हैं सब कहती है कि शिवराज सिंह चौहान तो मेरा सगा भाई है। ऐसा रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। राजनीति में काम करने वालों को, लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है कि सरकार कैसे चलाई जाती है, परिवार का भाव रखकर काम कैसे किया जाता है। यदि यह कोई भाव यदि कोई जानता है तो हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जानते हैं। और इसलिए आज वो हमारे बीच में आए हैं। यहाँ अपार जन समूह है, हमारी लाडली बहनें भी हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लगातार इसी प्रकार जनता के काम, गरीबों के काम, किसानों के काम,
मजदूरों के काम और इन लाडली बहनों से इसी प्रकार इसने करते रहे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करता हूं महिलाओं सहित पूरे जन समूह से कि सभी लोग जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पीछे भाई भी हमारे स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में चूंकि समय की कमी है, लाडली बहनों के भाई और आपने जिनको अपार जन समूह दिया है, जन समर्थन दिया है, 165 सीट देकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जनप्रिय नेता जो नर सेवा नारायण सेवा की भावना लेकर आज मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित है, वो आप सबको संबोधन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधन करें तो आप जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं इन पंक्तियों से मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहता हूँ। कदम निरंतर चलते हैं जिनके सब जिनका विराम है और विजय सुनिश्चित होती है उनकी घोषित यह परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, शिवराज भैया जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, लाडली बहनाओं की जय, प्यारे भाइयों की जय और भांजे और भांजियों की। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जाट जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे यहां से प्रत्याशी थे आदरणीय दुर्गा लाल विजय जी, हमारे विजयपुर के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय बाबूलाल मेवरा जी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनें गुड्डी भाई भी यहां बैठी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष और यहां उपस्थित मेरी सभी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि अपनी बहनों से जाके मिलूं और एक बार अपनी बहनों को धन्यवाद दूं। आपकी इच्छा भी मुझसे मिलने की थी कि नहीं थी? अरे जोर से बताओ ना। देखो, सबसे पवित्र रिश्ता अगर दुनिया में कोई है तो वो रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता। मेरी बहनों, आज श्योपुर में मेरी बहन ने मुझे पगड़ी बांधी है। भाई पगड़ी बांधते थे लेकिन लाडली बहना पगड़ी बांध रही है। मेरी बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और बहनों की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं श्योपुर विजयपुर की जनता का, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं, उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन दिया। हार जीत होती रहती, कई कारण उसके रहते हैं। हम यहां नहीं जीते लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा बहुमत मिला है कि लोग दंग रह गए कि इतने इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। ये प्रचंड विजय जो बहनों के आशीर्वाद से मिली है अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जनता की श्रद्धा और अटूट विश्वास की विजय है। यह विजय जो काम हमने किए जनता के लिए, विकास के लिए, सबके लिए काम किए, भाई बहन भांजे भांजी, ये डबल इंजन के सरकार के काम की जीत है, विजय है। और ये विजय मेरी लाडली बहनों तुम्हारे प्यार और भाई के प्रति स्नेह की जीत है। एक नई ताकत खड़ी हो गई,
मेरी बहनों की ताकत थी। और आज आपका भाई आपको ये वचन देता है, मेरी बहनों जो एक एक वचन दिया है, एक एक गारंटी दी है, वो हर गारंटी पूरी की जाएगी, चिंता मत करना। लाडली लक्ष्मी से अपना सफर प्रारंभ हुआ था। अपनी बेटियां पहले बोझ मानी जाती थी, उनको वरदान बना के लखपति बनाने का अभियान चला लाडली लक्ष्मी। और आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी है हमारी। लाडली लक्ष्मी, फिर कन्या विवाह, क्योंकि लोग मानते थे कि बेटी की शादी भी बोझ है, इसलिए बेटी को आने ही मत दो। याद करो मेरी बहनों, एक जमाना वो था कि बेटी को जन्म लेने के पहले ही कई बार कोख में मार देते थे लोग कि बेटी तो आफत होती है। और ये चीज मेरे दिल में दर्द पैदा करती थी, इसलिए बेटी लखपति बने अभियान चलाया और लाडली लक्ष्मी योजना बनी। उसके बाद तय किया जब मामा मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो हमने तय किया बेटियों की शादी अब माता पिता पे बोझ नहीं रहेगी, मामा शादी करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाई। फिर मेरी बहनें चुनाव लड़े और जीत के आए, इसके लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को दिया। और प्रधानमंत्री जी ने एक और क्रांतिकारी फैसला लिया कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी अब बहनों को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि ज्यादा संख्या में MLA और MP भी बहनें बन सके। एक के बाद एक लगातार ऐसे फैसले होते रहे। हमने तय किया कि बहन और बेटियों के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाएगी तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि उनके नाम पे संपत्ति खरीदी जाए। और नहीं तो घर के पुरुष के नाम पे जमीन जायदाद खरीदी जाती, लेकिन पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा लगेगा, और बहन के नाम पे नाम मात्र का। तो कई लोगों ने तय किया, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खेत ले रहा हूं, पैसा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। फिर संबल जैसी योजना बनी, एक योजना और बनाई कि अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि घर रह के आराम कर सके। एक नहीं अनेकों योजना, ये अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान था। लेकिन इसके बाद एक और क्रांतिकारी योजना बनी, लाडली बहना योजना। इस योजना ने क्रांति कर दी। हम देखते थे कि गरीब बहना को अगर 1,500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था, कई बार मांगने पर भी पैसा नहीं मिलता था। बोलो सही बात है कि नहीं? पराधीन सपनहु सुख नाही, मन में विचार आया कि मेरी बहनों का खुद का खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसा आ जाए तो मेरी बहन का आत्मसम्मान बढ़ जाए। और जो लाडली बहना योजना बना के देखे, हर महीना बहनों के खाते में पैसा जाएगा। फिर 10 तारीख आ रही है, सरकार भी आ गई और 10 तारीख भी आ रही है। अब चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस योजना ने कई बहनों की जिंदगी बदल दी। मैंने पूछा पैसे का क्या किया, एक बहन बोली भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़ा सी के और ज्यादा पैसे कमा रही हूं। एक ने कहा मैंने फल की दुकान लगा ली, एक ने छोटा सा भोजनालय खरीद लिया, खोल लिया। अलग अलग छोटे छोटे काम बहनों ने शुरू कर दिए। और ये पैसा 1,250 तक सीमित थोड़ी रहेगा,
बढ़ाते बढ़ाते ढाई ढाई सौ रुपया आगे जाके कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मेरी बहनों, राजनीति और भाइयों से भी कह रहा हूं, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। बहनों की योजना तो पूरी होगी, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 2700 रुपया क्विंटल। अरे ताली तो बजा दो रे पीछे से। बहने ताली बजा रही, भाई शर्मा ने बोलो भारत माता की। देखो जो एक एक वचन दिया, मेरे बेटा बेटियों, ए भांजे भांजियों, लैपटॉप तो मिलेगा ही, स्कूटी तो मिलेगी, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री में होगी, मामा फीस भरवाएगा, बीजेपी की सरकार फीस भरवाएगी, चिंता मत कर। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, मेरा नेतृत्व यहां बैठा है, हमारे सुरेन जी, दुर्गालाल जी, महावीर जी, बाबूलाल जी, हर परिवार को एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार, उस कार्य योजना पर काम शुरू करेंगे। और श्योपुर में तो धन भी खूब होती है, जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी दी है, एक एक गारंटी पूरी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, हम उनके पीछे खड़े, वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने, इसमें मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मेरी स्व सहायता समूह की बहनें, कौन कौन है हाथ उठाओ, समूह की बहनों सुन लो, लाडली बहना के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना, लखपति बहना, लखपति बहना। ये मजाक नहीं कर रहा, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। ये औरत जात केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुई है, लखपति बनेंगे, लखपति, लखपति बनेंगे। और ये संभव है, मेरे स्व सहायता समूह आजीविका मिशन बहने 15 लाख बहने लखपति बन चुकी है, 15 लाख। लखपति का मतलब जिनकी आमदनी हर महीना 10,000 रुपया हो जाए, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा, वो लखपति दीदी, हर दीदी को लखपति बनाना है, ये सपना है जीवन का, ये संकल्प है जीवन का, ये मिशन है जीवन का, मिशन जिसको हर हालत में पूरा करना है। और इसलिए लखपति दीदी अभियान चलेगा, लखपति बहना अभियान, बच्चों को रोजगार के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार। यहां 23,000 बहने लखपति बन गई है, बाकी कोई बनाना है कलेक्टर साहब, सबको बनाना है, क्यों गरीब रहे अपन बताओ, नहीं रहेंगे गरीब, ये करना है भाई, रोने के लिए थोड़ी पैदा हुए। और भैया काय के लिए आया है, इसलिए कि बहनों को गरीबी से उठा के निकाल के ऊपर ले जाए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका आभारी हूं, आपने हर पल साथ दिया है, पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है, पर मैं मुख्यमंत्री नहीं माना मैंने अपने आप को, मैं तो भैया हूं, हूं कि नहीं, अरे हूं कि नहीं, भैया मामा ही अपना परिवार है जी, राजनीति एक तरफ रह गई, पूरा मध्य प्रदेश एक परिवार बन गया, एक परिवार, और एक परिवार की तरह मिलकर साथ चलेंगे। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपके लिए जीऊंगा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और आपको आगे बढ़ाने में कोई सरकार, कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। आओ
एक नया सफर प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक निवेदन और करता, देखो अब लोकसभा के चुनाव होंगे अप्रैल मई में, देश को आगे बढ़ा रहे, भाई बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। बोलो बनाना है कि नहीं? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए श्योपुर जिले में भी विधानसभा भले नहीं जीते हो लेकिन लोकसभा में दोनों सीटें भारी बहुमत से जिताना है। बोलो जिताना है। फिर से कमल के फूल की बटन दबाना है और लोकसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बोलो सब भाई बहन तैयार हैं? तो आइए अब संकल्प लेंगे कि लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, भाई भी बहन भी इधर वाले भी, और दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की।